काबुल में आईएसआईएस का बड़ा हमला। आईएसआईएस के हमले से तालिबान की बोलती बंद। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार धमाका बड़ा जबरदस्त था। धमाके में 6 लोगों की मौत और कई लोग घायल। हमले की जिम्मेदारी खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस ने ली। नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक जबरदस्त विस्फोट हुआ जिसमें 6 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए। अफगान मीडिया की माने तो यह धमाका काबुल में विदेश मंत्रालय रोड पर हुआ है। जांच में पता चला कि खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस के आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। फिलहाल जांच एजेंसियां घटना की जांच में जुटी है। देखिए ये रिपोर्ट। विदेशी मीडिया की माने तो आईएसआईएस ने तालिबान से तगड़ा बदला लिया है और काबुल में धमाका कर तालिबान से जंग का ऐलान कर दिया। जानकारी देते चले कि इससे पहले तालिबान ने आईएसआईएस के कई आतंकियों को मार गिराया था, जिससे आईएसआईएस काफी नाराज था और तालिबान को सबक सिखाना चाहता था। और मौका मिलते ही तालिबान को आईएसआईएस ने धमाका करके चोट पहुंचा दी और इसको लेकर तरह तरह की खबरें सामने आने लगी। खबर अफगानिस्तान के लिए सही नहीं है, क्योंकि लोगों का कहना है कि आईएसआईएस को पाकिस्तान से स्पॉन्सरशिप मिली, क्योंकि आईएसआईएस और तालिबान में पटती नहीं है। और इस बीच तालिबान और पाकिस्तान आईएसआईएस को लेकर आमने सामने है, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि तालिबान पाकिस्तान में सक्रिय तंजीमों की मदद कर रहा है। इसी वजह से पाकिस्तान में परेशानी बढ़ी है, लेकिन तालिबान हमेशा इनकार करता रहा। अब काबुल में आईएसआईएस के विस्फोट से सभी का कहना है कि पाकिस्तान तालिबान को सबक सिखाने में कामयाब हुआ। जी हां, खबरों की माने तो काबुल में एक आत्मघाती हमला हुआ है जिसमें 6 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए, और इस हमले ने तालिबान को अंदर से हिलाकर रख दिया। जानकारी देते चलें कि एक इतालवी एनजीओ ने इस हमले पर कहा है कि सोमवार को काबुल में अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के पास विस्फोट में कम से कम 2 लोगों की मौत मौके पर हो गई और कम से कम 12 अन्य लोग घायल हो गए, लेकिन जब सही तरीके से जांच हुई तो मौत का आंकड़ा बढ़कर 6 हो गया। एनजीओ काबुल शहर में लंबे समय से चले आ रहे युद्ध के पीड़ितों के इलाज में विशेषज्ञता वाला एक सर्जिकल सेंटर चलाता है, जिसने काबुल में विस्फोट की पुष्टि की। इसके साथ ही साथ हम ये भी यहाँ पर बता दें कि तालिबान के अधिकारियों ने अभी तक इस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं दी। सोमवार की घटना दोपहर के भोजन के समय हुई। इससे पहले जनवरी 2023 में काबुल में विदेश मंत्रालय के सामने एक धमाका हुआ था जिसमें 5 नागरिकों की मौत हो गई थी, जबकि अन्य घायल हो गए थे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि विस्फोट कैसे हुआ और क्यों हुआ। अब देखना होगा कि इस हमले पर क्या बोलता है तालिबान, वो काफी महत्वपूर्ण होगा।